बलरामपुर दौरे पर जाएंगे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख। पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचेंगे राज्य मंत्री औलख। मोदी के आगमन से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। 11 दिसंबर को बलरामपुर जाएंगे पीएम मोदी। सरजू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख। पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचेंगे राज्य मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मोदी के आगमन से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। 11 दिसंबर को बलरामपुर जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर सामने आ रही है, सरजू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले तमाम जानकारियां लेंगे, बलरामपुर दौरे पर जाएंगे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख। पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचेंगे राज्य मंत्री। मोदी के आगमन से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। अमित, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से जुड़ी? ये आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को असुआ डोल गांव के पास आ रहे हैं, जहां सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। तो इसी में जो मंत्रीगण है वो जल्द ही आते रहते हैं निरीक्षण करने के लिए। तो आज यहीं पर जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख आ रहे हैं, जो अभी पहुंचेंगे, वो भी हसुआ डोल में निरीक्षण करने के लिए वो जो कार्यक्रम है वहां जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़े थे। तो पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचेंगे राज्य मंत्री औलख, सभी चीजों का खुद निरीक्षण करेंगे, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे औलख। दो गुटों के विवाद में फायरिंग, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपसी विवाद में हुई फायरिंग। घटना के दौरान युवक हुआ घायल, दबंगई को लेकर हुआ विवाद। शहर में आए दिन हो रही घटनाएं, मौके पर तमंचे के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। घटनाओं से खड़े हो रहे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, घायल को जिला अस्पताल में भेजा गया। दो गुटों के विवाद में फायरिंग, फायरिंग का ये मामला सामने आया है, आपसी विवाद में हुई फायरिंग। घटना के दौरान युवक घायल, दबंगई को लेकर हुआ विवाद। शहर में आए दिन हो रही घटनाएं, मौके पर तमंचे के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। घटनाओं से खड़े हो रहे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, किस वजह से हुआ था दोनों पक्षों में विवाद? जी, फरखौत कोतवाली क्षेत्र का छकानाजिर का मामला है, वहां पर आपसी विवाद हो गया था। पहले से सभी परिचित ही थे, तो किसी बात के लिए उनका विवाद हो गया, तो उसी में दोनों पक्षों में लड़ाई, उसके बाद फायरिंग की घटना सामने आ रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो आरोपी उनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया है, उनके पास से 2 अदद तमंचे भी बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस विधिक कार्रवाई में लगी हुई है। घायल की क्या हालत है इस टाइम? हाँ, घायल को प्राथमिक उपचार व मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लोहिया में तुरंत भेजा गया था। उसकी हालत सामान्य है और उसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, ज्यादा कोई गंभीर चोट उसको नहीं है। जी, तो पुलिस अब क्या एक्शन ले रही है इस मामले में? पुलिस इनके खिलाफ जो भी तहरीर मिलने के आधार पर विधिक कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। महोबा में दिखा रफ्तार का कहर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महोबा में फिर तेज रफ्तार कार ने 2 वाहनों को मारी टक्कर। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, हादसे में एक युवती समेत 4 लोग घायल। आरोपी कार चालक को भीड़ ने जमकर पीटा, शराब के नशे में धुत था कार चालक। शहर कोतवाली के हवेली दरवाजा की घटना, थाना शमशाबाद के ग्राम रामपुरा का मामला बताया जा रहा है। महोबा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने 2 वाहनों को मारी टक्कर।
हादसे में एक युवती समेत चार लोग हुए घायल। आरोपी कार चालक को भीड़ ने जमकर पीटा। शराब के नशे में धुत था कार चालक। शहर कोतवाली के हवेली दरवाजा की घटना बताई जा रही है। थाना शिवशाबाद के ग्राम रामपुरा का मामला। महोबा में तेज रफ्तार का कहर दिखा है, जहां नशे की हालत में कार चालक ने दो वाहनों को मारी टक्कर। पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी। गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी का करेंगे शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी। गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी का करेंगे शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रह रहे हैं पीएम मोदी। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर जाएंगे नरेंद्र मोदी। गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी का करेंगे शिलान्यास।